हाय नमस्कार, मेरा नाम राहुल खन्ना है और मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप में हूँ। और पिछले कई सालों से अपने गुरु अरविंद गौर सर के साथ मैं थिएटर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जो मैं फील कर रहा हूँ और इस जगह को देखकर आप सभी भी जितने भी लोग रंगमंच से प्यार करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय मेरे आसपास जो ये बहुत ही खूबसूरत स्टेज है, आपको भी इस स्टेज को देखकर प्यार हो गया होगा और आपका भी मन कर रहा होगा कि कब इस ओपन एयर थिएटर के स्टेज के बीच में खड़े होके सामने जो ऑडियंस है हमारे, उनको अपनी गोदी में बिठा के उनके सामने कोई नाटक परफॉर्म किया जाए। सो मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा वापस स्टेज पर चढ़ने में, और जब वो गैप 2 साल का हो जाए तो फिर वो कैसी खुशी हो सकती है वो आप सब समझ सकते हो। सो पूरे पेंडेमिक के बाद, पूरे लॉकडाउन के बाद, मुझे कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आज वापस से स्टेज पे चढ़ने का मौका मिला। जिन बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उनके साथ पिछले 10-12 साल से एजुकेशन थ्रू थिएटर पर काम कर रहा हूँ, तो अस्मिता थिएटर ग्रुप के बिहाफ पर मुझे उन बच्चों के साथ फिजिकली दोबारा काम करने का मौका मिला। और मैं आप सबको बता दूं कि इस समय मैं अजमेर के मेयो कॉलेज में हूं और अभी आप जैसा उस बोर्ड पर देख रहे हैं, मेयो मिडिल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस का आयोजन मेयो कॉलेज ने किया था और मैं तमाम अस्मिता थिएटर ग्रुप के एक्टर्स और अरविंद गौर सर की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र कुलकर्णी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक स्कूल के फंक्शन के लिए ऑल ओवर इंडिया से कुछ चुनिंदा आर्टिस्ट को बुलाया और बच्चों के साथ वर्कशॉप लेने का उनको मौका दिया गया और फिर आखिरी दिन बच्चों ने जाकर स्टेज पर अपने अपने परफॉर्मेंसेस किए। मैं आपको नहीं बता सकता कि इस समय इतनी खुशी हो रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर आकर दोबारा से अपना थिएटर शुरू कर पा रहा हूँ, लेकिन खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि जब ये मेरी बातें आप सुनेंगे तो वो जो एक टच हम सबका कहीं ना कहीं छूट गया था वापस स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का, ऑडियंस का टिकट लेके परफॉर्मेंस देखने का, वो कहीं ना कहीं मुझे फिर से लग रहा है कि दोबारा शुरू होने के कागार पर है और बहुत जल्दी शुरू होगा। जैसे सिनेमा खुल गया है, आप सबको पता है एक सूर्यवंशी फिल्म और बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक आनी शुरू हो चुकी हैं, ऐसे ही अब दोबारा से मंडी हाउस में कमानी, श्रीराम, LTG, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग ऑडिटोरियम में आपको नाटक दिखने भी बहुत जल्दी शुरू हो चुके होंगे या शुरू होने वाले होंगे। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और जब भी यहाँ पर हम लोग आते हैं तो एक अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, एक अलग ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। और स्पेशली कल रात को इन बच्चों का फिनाले था, क्लास 7th ने क्लास 8th के लिए सारे के सारे परफॉर्मेंसेस तैयार किए थे। और एक चीज़ मैं आपके सामने मानता हूँ कि बैक टू बैक थिएटर करते करते, रिहर्सल्स करते करते, तपस्या करते करते, रियाज करते करते, कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो जो एक बचपन होता है अंदर का, एक ऑनेस्टी होती है एक एक्टर की, अपना अपना एक अपनापन होता है, वो कहीं ना कहीं किसी परफॉर्मेंस में कभी कभी कुछ ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो कल जब मैंने यहाँ पर 7th और 8th जब यहाँ पूरी बैठी हुई थी और वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, सो मैंने उनको देखा और ख़त्म होने के बाद मैंने सबसे पहले अपने, मेरे जितने भी दोस्त हैं अपने अस्मिता थिएटर ग्रुप के एक्टर्स, मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि यार मेरे बैंक बैलेंस में ना इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको खर्च कहाँ पर करूँ। अब वो लोग भी हैरान हो गए कि ऐसी कौन सी फिल्म कर दी, ऐसा क्या काम कर दिया कि इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। उन्होंने कहा चल यार मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि कल जब बच्चे परफॉर्म कर रहे थे ना, उनके हर एक डायलॉग में, उनके हर एक डांस में, उनकी हर एक गलतियों में, बहुत छोटी छोटी गलतियां की सबने स्टेज के ऊपर, और उसे इतने तरीके से, इतने इंटेलिजेंट वे में छुपा गए, निभा गए कि ठीक है गलती हो गई, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो देखकर जो ऑनेस्टी थी कल हर एक बच्चे के परफॉर्मेंस में,
वो ऑनेस्टी मैं अपने बैंक में यहाँ से भर भर के लेके जा रहा हूँ। और शायद मेरे पास ऐसा लाइफ में कोई अकाउंट नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो ऑनेस्टी मैं कहीं पर रख पाऊँगा, जो मेरे एज एन इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक और बार फिर से मेयो कॉलेज के डायरेक्टर सर, ऑल द टीचर्स, मैनेजमेंट, सारे स्टूडेंट्स, जितने भी लोगों ने सेट तैयार करने में, वो बोर्ड तैयार करने में, वो ब्लैक कर्टन तैयार करने में, वो झंडे तैयार करने में, साउंड म्यूजिक, एक एक छोटी छोटी चीज तैयार करने में, जिस जिसने मदद की थी उसको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि आपकी वजह से जो एनर्जी आज मैं लेकर जा रहा हूँ, ये एनर्जी शायद आप सोच भी नहीं सकते, आने वाले समय में कम से कम मैं 1,00,000 बच्चों के बीच में ये एनर्जी कम्प्लीटली शेयर करने वाला हूँ। सो एक और बार फिर से मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप की तरफ से और अरविंद गौर सर की तरफ से, तमाम मैनेजमेंट स्टाफ और टीचर्स, स्पेशली डायरेक्टर सर को मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और अस्मिता थिएटर ग्रुप को मेयो कॉलेज के बच्चों के साथ एक और बार फिर से काम करने का मौका दिया। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम यहाँ पर एक अपनी थिएटर सोसाइटी ज़रूर बनाएंगे और मेयो कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को इंडिया के हर एक ऑडिटोरियम में, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो पटना हो, हर एक ऑडिटोरियम में उनको लेकर जाएंगे और उनको लेकर एक परफॉर्मेंस क्रिएट करेंगे, एक प्रोडक्शन बनाएंगे और यहाँ के बच्चे बाहर जाके ऑडियंस के लिए परफॉर्म करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, अवेयरनेस की बातें करेंगे, खुद भी अवेयर होंगे और दूसरों को भी अवेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।